प्रदेश में बारिश को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश की संभावना जताई है। कहां कहां बारिश होगी? चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र में बारिश की संभावना है। इसके अलावा मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, महाराजगंज में भी बारिश के आसार हैं। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर में भी 2 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो नदियों का, बाढ़ का जो स्वरूप है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए मौसम विभाग की ये चेतावनी कितनी अहम है, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन तक भी कई क्षेत्रों में, कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। देखिए मिर्जापुर हो, चंदौली हो, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर में भी 3 दिन का ये बारिश का अलर्ट जारी है। तो मानसून भारी पड़ रहा है इस बार, जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं, खबर आ रही है, लगभग सभी बड़ी नदियां या उनकी सहायक नदियां अपने रौद्र रूप में हैं। बाढ़ बारिश का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसी बीच मौसम विभाग की ये चेतावनी है कि आने वाले 3 दिन तक बारिश हो सकती है। इधर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और टोंस नदियां जबरदस्त उफान पर हैं और लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इन नदियों में आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। यह नदियां अब अपना दायरा तोड़कर सड़कों, कॉलोनीज, गलियों और दूसरे रिहायशी इलाकों में बह रही हैं। शहर से लेकर गांव तक के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए। 1 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। हजारों मकानों की नीचे की मंजिल बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबी हुई है। यमुना और टोंस नदियां लगातार उफान पर हैं। तीनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और जो बाढ़ का पानी है वो नदियों की कछार छोड़ करके गलियों और मोहल्लों तक पहुंच गया है। इस वक्त हम छोटा बघाड़ा इलाके में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो गलियां हैं वो जलमग्न हो गई हैं। जो सैकड़ों मकान यहाँ के हैं वो बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। हजारों लोग इन मोहल्लों के वो पलायन कर चुके हैं, सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं, राहत कैंपों में शरण लिए हुए हैं। इंसानों के साथ साथ जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल में है। आप देख सकते हैं कि ये जो एक आलीशान सा मकान है, 3 मंजिला आलीशान मकान है, इसकी जो पहली मंजिल है वो डूब चुकी है और पहली मंजिल पर एक अजगर जो है वो पनाह लिए हुआ है, जिंदगी की जद्दोजहद में लगा हुआ है, जिंदगी की जंग लड़ रहा है। चारों तरफ पानी है। आप देख सकते हैं कि मकान की जो पहली मंजिल है, पूरी खिड़कियां हैं, रेलिंग है, गेट है, सब का सब बाढ़ के पानी में समाया हुआ है और ये जो अजगर है किसी तरीके से रेलिंग पर फंसा हुआ है, जिंदगी की जद्दोजहद कर रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का कहर लगातार बरकरार है। गंगा, यमुना, टोंस और सतलुज, खदेरी जैसी नदियां लगातार उफान पर हैं। इनका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों ने अपना पार्ट छोड़कर अब रिहायशी बस्तियों का रुख कर लिया है। तमाम रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। ये इलाके जलमग्न हो गए हैं। जो इलाके हैं वो टापू में तब्दील हो गए हैं। जो एक एक मकान है, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के एलनगंज इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि पूरी गली जो है वो जलमग्न है। सैकड़ों मकान डूबे हुए हैं। 1 मंजिल तक जो है वो पानी भर गया है, दूसरी मंजिल को छूने पर है। देखिए जो गेट लगे हुए हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समाये हुए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं, हजारों लोग पलायन कर चुके हैं यहाँ से, तमाम लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। और आप देखिए पीछे एक क्लिनिक है, लेकिन ये क्लिनिक जो है ये पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। कोई दांत के डॉक्टर साहब हैं, उनकी ये क्लिनिक है। तमाम मकान आप देख सकते हैं कि ये मकान जो है बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। तो प्रयागराज में अकेले इसी मोहल्ले में नहीं, बल्कि तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा मोहल्लों में इसी तरीके के हालात हैं। जो प्रयागराज की तस्वीरें देखिए आपने, सहारनपुर की बात करते हैं। शिवालिक पहाड़ियों पर बारिश के कारण बरसाती नदियां उफान पर हैं। यहां लोग बाढ़ के बावजूद जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ये ख्वासपुर, जैतपुर की तस्वीरें हैं। नदी में अचानक पानी आ जाने के कारण बाइक सवार इसमें फंस गया। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस बाइक सवार को बचाया। इधर औरैया में यमुना नदी कहर बरपा रही, यहां पर तमाम गांव बाढ़ग्रस्त हैं। सीएम योगी ने भी इन इलाकों का दौरा किया, लेकिन यहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो डरा रही है। यहाँ औरैया जालौन मार्ग के शेरगढ़ घाट के पुल पर लोग बाढ़ का आनंद लेने आ पहुंचे, मानो उनके लिए ये एक पिकनिक स्पॉट हो गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक ओर नदी उफान पर है, उसकी तेज धार डरा रही है और दूसरी ओर पुल पर बाढ़ देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग बेखौफ पुल से नीचे झांक रहे हैं, आनंद ले रहे हैं।
गोंडा में सरयू नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन तरबजगंज तहसील क्षेत्र के एली परसोली और दूसरी जगहों पर सरयू नदी के कटान की आप बात करें तो बहुत तेज है। सैकड़ों बीघा खेत नदी में समा चुके हैं, लगातार कटान है और लोग दहशत में हैं। देखिए कटान की ये तस्वीरें, किस तरीके से जल स्तर भले कम हो रहा हो नदी का, लेकिन कटान में ये समाते हुए खेत हो या इलाके हों साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इधर वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, वहीं सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है और इससे कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इस बीच जिला प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है, लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, साथ ही घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त सामने घाट के मारुति नगर में 300 लोगों को निकाला गया है और यहां दो दिनों में गंगा के जलस्तर के कम होने का भी अंदाजा लगाया जा रहा है। वाराणसी की मारुति नगर कॉलोनी है जो सामने घाट के पास पड़ती है, यहीं पे ही करीब 100-150 परिवार हैं वो पानी में फंसे हुए हैं और क्योंकि यहाँ पे लो लाइंग एरिया है तो पानी का भराव यहाँ पे काफ़ी है, तो पिछले 2-3 दिन से यहाँ के करीब 300 लोगों को बाहर निकाला गया है। काफ़ी लोग अभी अंदर हैं जो अपनी इच्छा से हैं, उन्हीं में सामग्री का वितरण यहाँ पे चालू कराया गया है ताकि जो लोग भी यहाँ पे हों उन्हें खाने पीने की दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बुंदेलखंड में बाढ़ग्रस्त इलाके जालौन और हमीरपुर का हवाई सर्वे किया। स्क्रीन पर ये जालौन और हमीरपुर की तस्वीरें देखिए। सीएम ने इन्हीं इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है और हालात देखे हैं। तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और पेड़ पौधों की स्थिति देखिए किस तरीके से वो जलमग्न हो चुके हैं। और जिस इलाके में आप पानी देख रहे हैं वहां पर खेत भी हो सकते हैं, गांव भी हो सकते हैं, लेकिन दूर से देखने पर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आता है और यही है लोगों की परेशानी, क्योंकि इसी पानी के बीच वो अपने गुजर बसर को मजबूर हैं और आस के लिए ऊपर की तरफ ही देख रहे हैं कि उन्हें मदद मिले, राशन मिले, संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। और सिर्फ मिर्जापुर और हमीरपुर में ही नहीं बल्कि यूपी के 16 जिले इन दिनों बाढ़ से कराह रहे हैं। हर घंटे हर मिनट और ज्यादा ये बाढ़ भयावह होती जा रही है। 16 जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। एबीपी गंगा आपको हर जगह की तस्वीर दिखा रहा है, कैसे गांव गांव तबाही का मंजर है, नदियों के उफान पर रहने से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। हालात सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी पानी घर के अंदर तक जा घुसा है। इस आसमानी आफत से राहत का भी दूर दूर तक कोई भी दृश्य बनता दिखाई नहीं दे रहा। आप अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखकर भयावह मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे खेत खलिहान मकान दुकान इस खतरे की जद में आ चुके हैं, बाढ़ के कहर का सामना कर रहे हैं। आप भाई तुम्हारी से कौन रही, आप भाई दूर से दिखाई दे चारों कराई। आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरों पर फटाफट अंदाज। चलिए शुरू करते हैं। शामली में एक युवक की दबंगई का लाइव वीडियो सामने आया है। दबंग युवक ने एक युवक को बेल्टों से जबरदस्त तरीके से पीटा। आरोप है कि युवक को सामूहिक रूप से घेर कर दबंगों ने पिटाई की। बिजनौर में लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। इस मुठभेड़ में दोनों बदमाश को गोली लगी है, एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ है। अमरोहा में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की खेत में हत्या की और इसके बाद पति ने खुद भी फांसी लगाकर जान ली। संभल में बाइक सवार युवक को कुछ लोगों ने जमकर पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी हमलावर मौके से फरार हैं। बदायूं में दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से पथराव और फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है और इस घटना के बाद गांव में दहशत है। एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया है। बरेली में समाज सेवा के नाम पर दो महिलाएं मानव तस्करी के काम में शामिल थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली दोनों महिलाएं छोटे बच्चों पर नजर रखती थी, मौका पाकर दोनों को बेच देती थी। पश्चिमी यूपी की खबरें आपने सुपर फास्ट अंदाज में देखी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं।
बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साल 2000 में लखनऊ के जेलर और डिप्टी जेलर पर हमले का मामला है। जेलर और डिप्टी जेलर पर हमले में आज आरोप तय हो जाएगा। MPMLA कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बाहुबली मुख्तार की पेशी हो सकती है। कोर्ट ने मुख्तार को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का आदेश दिया था, तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए MPMLA कोर्ट में पेशी होगी। आज आरोप तय हो जाएंगे साल 2000 के इस मामले। बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, मुश्किलें बढ़ने की गुंजाइश आज ज्यादा। खबर एटा से है, जहां बिजौरी गांव में शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा तो सभी का सपूतों को श्रद्धांजलि देने वक्त याद देते वक्त आंखें नम हो गई। इस गांव में अरविंद नाम के सपूत की हम बात कर रहे हैं, जो जम्मू के रजौरी में पोस्ट थे। गांव और आसपास के हजारों लोगों ने नम आंखों से देश के इस वीर सपूत को बताया। मौके पर एटा सदर विधायक विपिन वर्मा, महारा विधायक वीरेंद्र लोधी, उप जिलाधिकारी एटा अलंकार अग्निहोत्री, CO राजकुमार सिंह भी मौजूद रहे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके बच्चों पर एक किसी की बुरी नजर, बस एक छोटी सी चूक और फिर वो गैंग कर सकता है आपके बच्चे को अगवा। एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश हुआ है बरेली में, वहां पर बरेली पुलिस ने किया है, जो खुद को बताते थे समाज सेवी और करते थे छोटे छोटे मासूम बच्चों की तस्करी। देखिए रिपोर्ट। चेहरे पर शराफत, इरादे खूंखार, समाज सेवा के नाम पर मानव तस्करी का व्यापार, बच्चों पर रहती थी बुरी नजर। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग समाज सेवी हैं। जी हाँ, अब तक इनको बरेली में समाज सेवी ही समझा जाता था, लेकिन समाज सेवा की आड़ में जिस कारनामे को अंजाम दिया उसने एक परिवार के होश उड़ा दिए। दरअसल बरेली के कोतवाली इलाके की रहने वाली गुलाब शाह ने अपनी 5 महीने की बच्ची के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई। हमारे बच्चे चोरी कहा गया था माँ से, बैंक के पास से, कैमरे के सामने से। इस औरत ने आई हमसे बोली कोई बच्चे बिकता तो बता दो, मैं इनके साथ आपको बता दूंगी, आपको चाहिए बच्चे तो मेरे बच्चे के पीछे इन लोगों ने लड़के लगा दिए, मेरे बच्चे के पीछे लड़के लगा दिए इन लोगों ने, मेरा बच्चा उठा लिया गया। तो मैं रोई, ट्रंप वालों ने हमें बताया, बोले ऐसे तो बच्चे आपका चोरी हुए, तो मैं कपड़ा के कोतवाली आई थी तारक। इस दौरान पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी और फिर पुलिस को मिला सुराग। पुलिस ने 5 महीने की मासूम को किया बरामद, बच्ची का अपहरण करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 महिला समेत 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। प्रद्युम्न यादव, नीरा यादव और गीता सक्सेना हुए गिरफ्तार। 40,000 रुपए में कर रहे थे मासूम का सौदा। दरअसल पुलिस की पूछताछ में पता चला कि तीनों आरोपी समाज सेवा का काम करते थे। इस दौरान उनकी नजर छोटे बच्चों पर रहती थी और मौका पाते ही आरोपी बच्चों पर हाथ साफ कर लेते थे, जिसके बाद बच्चों का सौदा कर दिया जाता था। जो CCTV फुटेज हमें मौके से मिले थे और एक व्यक्ति जो आई विटनेस थे उनके द्वारा कुछ लीड दिए गए थे, उस लीड के आधार पर हमने इस जो अपहरणकर्ता उनके तक हमारे द्वारा पहुंचा गया और वहां से बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। क्या करते हैं ये लोग बच्ची का, क्या पूछताछ में निकल गया? अभी तक जो हमें जानकारी पूछताछ में जो जानकारी मिली है उसके आधार पर इतनी हम बात बता सकते हैं कि जो ये अपहरण करके ले गए थे इनको किसी थर्ड पार्टी को बच्ची देना था और वो इस बच्ची को कहीं और दे देते, ये अभी तक ये प्रकरण हमें सामने आया है। हम इसमें ये भी जानकारी करने में लगे हुए हैं कि क्या इनका जनपद के अन्य थानों में भी कहीं इस प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास है बच्ची को खरीद फरोख्त करने में। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में बच्ची को 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है, तो वहीं बच्ची का अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ में जुट गई है कि समाज सेवा के नाम पर अब तक कितने बच्चों का अपहरण वो कर चुके हैं और उनकी तस्करी कर चुके हैं, साथ ही इन लोगों के तार कहां कहां तक जुड़े हैं इस बात की भी जांच चल रही है। ABP गंगा के लिए बरेली से अनूप की रिपोर्ट।
की से खबर है। उत्तराखंड सीएम के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे पुष्कर सिंह धामी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मिलेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है आज। और कल उन्होंने मुलाकात की थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर। अविनाश, ये जो आज मुलाकातें होनी है इसमें क्या बात हो सकती है आज? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चाहे उत्तराखंड विकास कार्यक्रम कड़ी में मुख्यमंत्री लगातार केंद्रीय मंत्रियों से सहयोग की मांग कर रहे हैं। आज जब वो मुलाकात करेंगे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से, तो उनसे बातचीत करेंगे कि उत्तराखंड की जिस तरीके से बांध परियोजनाएं हैं और सिंचाई परियोजनाएं हैं और हर घर जल से नल परियोजना है, इसको कितनी तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीमावर्ती इलाकों को लेकर बातचीत होगी कि वहां किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। और फिर उसके बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात होगी शाम 5 बजे, जहां पे हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर काफी बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से बरसात में काफी हाईवे को नुकसान भी हुआ और कुछ काम रुके हुए हैं, तो उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से पर्यावरण क्लियरेंस होने के बाद उत्तराखंड विकास कार्य को तेजी किया जा सके, इसको लेकर ये बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। तो आज जो मुलाकातें होनी है मुख्यमंत्री की, वो किस विषय पर होनी है अभी बता रहे थे हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी। बात धर्म नगरी हरिद्वार की करते हैं। वहां गंगा बारिश के चलते इन दिनों अपने रौद्र रूप पर हैं। गंगा की मुख्य धारा हो या फिर इससे निकलने वाली गंग नहर की धारा, पानी का उफान अपने शबाब पर है। हरिद्वार में एक अलग ही नजारा आप देख लेंगे। युवा बच्चे बेखौफ होकर तेज बहाव के बीच गंग नहर में बेखौफ कूद रहे हैं। ये एक दिन का ही नहीं बल्कि रोज का मामला है, जहां पर यूं ही छलांग लगाते ये बच्चे नजर आते हैं। देखिए, अब खबर मसूरी से है। यहां कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता 4 रही रिक्टर स्केल पर। तीव्रता इतनी थी कि डर की वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए। दोपहर कल 1:47 पर भूकंप आया, लेकिन इससे किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रदेश में बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। भूस्खलन से कई संपर्क मार्गों की स्थिति ऐसी है कि आवाजाही खतरनाक हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में बारिश के कारण लगातार हो रहे भूस्खलन से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भूस्खलन से कई संपर्क रास्तों पर आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर रहा है और लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। पहाड़ दरकने की ये भयावह तस्वीर ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 की है, जहां पर तोता घाटी पर पहाड़ी से लगातार भूस्खलन होने से आवागमन बंद हो गया, जिसकी वजह से हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदी नाले भी उफान पर हैं और कई मार्गों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से भी लगातार मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अब नैनीताल के खैरना की यह तस्वीर देखिए, जहां कई गांव को जोड़ने वाला पहाड़ का ये पैदल रास्ता है जो आने जाने वाले लोगों को मौत की दावत दे रहा है। तिवारी में रहता हूं मैं, रोज यहां से राजकीय इंटर कॉलेज पढ़ने जाता हूं। यहां से पहाड़ी में से पत्थर गिरने का डर लगता है बारिशों के दिनों में, इसलिए हम बरसात के दिनों में घर में ही रहते हैं। रास्ते की परेशानी है, खतरा हो रहा है, जाने की परेशानी हो रही है। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? ये मजड़ा। देवभूमि में भूस्खलन से कई इलाकों में लोग हर पल दहशत में हैं। उनके लिए हर पल एक नई चुनौती सामने आ रही है। एबीपी गंगा के लिए श्रीनगर से मोहन और नैनीताल से कमल की रिपोर्ट। तो पहाड़ ऊंचे पहाड़ों की यात्रा से बचे अगर आप योजना बना रहे हैं। 12 अगस्त को मुख्यमंत्री धामी लक्सर आएंगे। यहाँ पर खानपुर के गांव में राजकीय कन्या महाविद्यालय का वो शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली। जिलाधिकारी विनय कुमार ने इन तैयारियों का जायजा लिया।
विश्व धरोहर फूलों की घाटी चमोली इन दिनों 300 प्रजाति के रंग बिरंगे फूलों की रंगत से गुलजार है। खासकर देव पुष्प ब्रह्म कमल के बागान को आप देखेंगे तो उसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। ये घाटी जून से लेकर अक्टूबर तक ऐसे ही फूलों से गुलजार रहती है और ब्रह्म कमल को आप देख पा रहे हैं, इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हो भी क्यों ना, 300 प्रजाति के इन फूलों को देखने का हिमालय की गोद में पहाड़ों के ऊपर एक अपना अनुभव और सुकून होता होगा जिसे तलाशते तलाशते लोग आते हैं।